दीपा, समझ नहीं आता किसका शुक्रिया अदा करूं, उस भगवान का या उन डॉक्टरों का जिन्होंने कम से कम तुम्हें देखने सुनने लायक तो बना दिया। तुम नहीं जानते, जब तुम बेहोश थी तो मैं कितना परेशान रहता था। सच पूछो तो अभी भी मेरी परेशानी कम नहीं हुई। जब तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम्हारी बहुत फिक्र होती, और जब तुम्हारे पास आता हूं तो तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती और परेशान हो जाता। क्या करूं, क्या करूं? मत समझो कि तुम्हारी तकलीफ मुझे महसूस नहीं होती, होती मुझे मालूम है कि इस हाल में तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं तुम्हारा दर्द नहीं बांट सकता, नहीं बांट सकता। तुमने ऐसा क्यों किया भगवान, क्यों? मुझे दे सकता था ये तकलीफ, मेरी जान को क्यों दी? हे भगवान, मेरी दीपा को अच्छा कर दो, मुझे पहले की तरह हंसती बोलती आंखों वाली दीपा लौटा दो, जो खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाती थी। इसकी ये हालत देखी नहीं जाती, नहीं देखी जाती भगवान। अजय, अच्छा हो गया आप आगे माँ जी। क्या हुआ अजय? जो होना था वो तो बहुत पहले हो चुका है माँ जी। अब तो पुराने दर्द है जो तकलीफ पहुंचा रहे। जब मैं दीपा का दर्द महसूस करने की कोशिश करता हूं तो मेरी आंख भर आती है बाज। कैसे सहती होगी ये दर्द, कैसे? मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा है शारदा कि अजय दीपा से कितना प्यार करता है। सही कह रही है, अजय जैसे लड़के दुनिया में बहुत कम है।